स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान अहमद एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंचे। यहां वे समाज के लोगों व छात्रों से रूबरू हुए। देश भर में घूम घूम कर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा शिक्षा व संस्कार के क्षेत्र में पहल की जा रही है। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी कड़ी में अपने छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर भिलाई पहुंचे। भारतीय युवा मुस्लिम विद्यार्थियों के इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान अहमद स्टूडेंट मीट के तहत छात्रों व पालकों से रूबरू हुए व शिक्षा व संस्कार के क्षेत्र में चर्चा की और उचित जानकारियां दी। संगठन के प्रचार प्रसार व शिक्षा हित में किए जा रहे पुनित कार्यों को उन्होंने ग्रैंड एशियन न्यूज से साझा किया। साथ ही वर्तमान में कर्नाटक में हुए हिजाब मामले में भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये छत्तीसगढ़ का हमारा जो दौरा है उसका बेसिक उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ में SIU पिछले कई सालों से 10 साल से काम कर रही है शिक्षा के मैदान में, उससे आगे बढ़कर जो है वो नैतिक तौर पर लोगों को डेवलप करने के हवाले से। तो संगठन का इस साल का जो कुछ भी प्लान बना है उसको देखने के लिए और संगठन के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए, इसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, और 2 साल से पेंडेमिक वगैरह से एजुकेशन का जो लॉस हुआ है उससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को मदद कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आए हुए थे। पर्दा प्रथा को लेकर अभी जो कर्नाटक में मुद्दा उठा है उस पर आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, जब से हिजाब का इशू उठा है पहले दिन से SIU ऑफ इंडिया काम कर रही है उस पर, और हमारा ये मानना है कि ये हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का मसला है, ये बेसिक फ्रीडम का मामला है। हमारा संविधान भी और इंसानी उसूल भी यही बताता है कि हर इंसान को इसकी आज़ादी है कि वो अपने धर्म का पालन करे। अब कोई लड़की अगर एजुकेशन परस्यू करना चाह रही है और आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि अपने धर्म और एजुकेशन में से किसी एक को सिलेक्ट करें, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और हम समझते हैं कि लड़कियों को इस बात का अधिकार है और उनको उसका अधिकार मिलना चाहिए। आप एक नेशनल प्रेसिडेंट हैं अपने संगठन के, हर प्रदेश में आपका दौरा रहता है, आपके संगठन का जो काम है वो कितना हद तक बोलता है? शिक्षा के क्षेत्र में जो अवेयरनेस है धर्म के लोगों में कितना है, कितना अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं? देखिए, SIU ऑफ इंडिया पिछले 40 वर्षों से पूरे भारत में काम कर रही है, और हम सिर्फ भारत ही की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन में भी हम जो काम करते हैं तो वो पॉलिसी इंटरवेंशन का भी काम होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हो या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर हो, नई नई जो एजुकेशन पॉलिसीज आती है उस पर भी काम करते हैं, करियर गाइडेंस और स्कॉलरशिप्स पर भी प्रोग्राम्स करते हैं, उसके अलावा जो है वो एजुकेशन के अलग अलग मुद्दों पर काम करते हैं। पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन बढ़ रही है, इनरोलमेंट बढ़ रहा है। हर साल जो ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आती है अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में मुस्लिम स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हो रहा है। उनकी समस्याएं बहुत कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी कम्युनिटी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल भिलाई में और छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो नेचर से बहुत करीब हैं, और उसकी वजह से जो मेट्रोज में या बहुत सारी जगहों पर हमको नैतिकता के हवाले से जो प्रॉब्लम्स दिखते हैं, जो मोरल क्राइसिस दिखता है, वो तो यहाँ पर नहीं महसूस हुआ। बाकी जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि चूंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। भारतीय युवा मुस्लिम विद्यार्थियों के अंतर्गत आने वाली संस्था देश विदेश में घूमकर शिक्षा व नैतिकता का पाठ विद्यार्थियों को पढ़ा रही है। कोरोना काल के दौर में भी संस्था ने गाइडलाइनों के तहत शिक्षा का अलख बच्चों में जगाया। निश्चित ही विद्यार्थी इससे शिक्षित होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। संस्था का ये कार्य बेहद सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।